मीन्स टू का क्यूब और टू का क्यूब इंटू ए का क्यूब है दोनों को कंबाइन करके राइट right कर सकते हैं टू इंटू ए का क्यूब नेक्स्ट बी का क्यूब ट्वेल्व के फैक्टर्स बनाते हैं ट्वेल्व के फैक्टर्स आएंगे टू इंटू टू इंटू थ्री अब थ्री को हम आगे एडजस्ट कर देते हैं एंड यहां है टू ए तो 2a का होल स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये और इन इनटू में a स्क्वायर ये गिवन है और b अलग से गिवन इन इनटू b हम इसको कन्वर्ट करें a b का होल क्यूब के फॉर्मूले में नेक्स्ट यहाँ 6 के फैक्टर्स राइट करेंगे 3 2 3 को आगे राइट कर दिया 2 को a के साथ एडजस्ट कर दिया एंड b का स्क्वायर अब यहां देखो यदि हम लैक्ट कर ले इसको a 2a को और ये b ये हो गया a का क्यूब प्लस का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी स्क्वायर तो ये क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब हमने इसमें ये आइडेंटिटी यूज की है ए की वैल्यू है यहाँ टू ए बी की वैल्यू बी टू ए प्लस बी का होल क्यू इसके फैक्टर्स आ गए सेकेंड पार्ट एट ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ट्वेल्व ए स्क्वायर बी प्लस सिक्स ए बी स्क्वायर ऐसे इसमें राइट करेंगे इसमें ए माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बनाएंगे क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर इसमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन है इसमें हमें कन्वर्ट करना है तो इसको बनाते हैं सेम है इसमें ओनली साइन नहीं है एट के फैक्टर्स यही आ जाएंगे टू ए का क्यूब बी क्यूब का बी क्यूब माइनस साइन ऐसे इसके फैक्टर्स बनाए थ्री इंटू टू ए का ओनली साइन चेंज है साइन यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है इसलिए ये किसका फॉर्मूला है ए माइनस बी का क्यूब यहाँ ए की वैल्यू टू ए बी की वैल्यू बी ये हो जाएगा टू ए माइनस बी कंप्लीट का होल क्यूब थर्ड पार्ट अब के फैक्टर्स क्या होते हैं? 3 3 3. इसको राइट कर सकते हैं थ्री का क्यूब माइनस वन ट्वेंटी फाइव का क्यूब और फाइव का क्यूब इंटू ए का क्यूब है कंबाइन करके राइट किया ये हो गया फाइव ए का क्यूब माइनस वन हंड्रेड थर्टी फाइव के फैक्टर्स एड करते हैं इसके फैक्टर्स आएंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव अब इस एक थ्री को हमने आगे एडजस्ट कर दिया यहाँ ए की वैल्यू हमारी थ्री आ रही है तो यहाँ इसका स्क्वायर चाहिए इन दोनों से हमने इसका थ्री का स्क्वायर बना दिया बी की वैल्यू में क्या है फाइव ए तो इस फाइव के साथ ए को एडजस्ट कर दिया ऐसे ही टू हंड्रेड ट्वेंटी बनेंगे थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इन फाइव इसके फैक्टर्स आ गए, थ्री को आगे एडजस्ट कर देंगे इसमें आता है थ्री ए बी स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू सिंगल चाहिए एक थ्री आ गया और बी की वैल्यू यहाँ क्या है फाइव ए मीन्स फाइव ए का होल स्क्वायर दोनों फाइव को ए के साथ एडजस्ट कर दिया फाइव ए का होल स्क्वायर

ऐसे इसमें फैक्टर्स बनाएंगे 64 को राइट कर सकते हैं 4 इंटू फोर इंटू फोर मीन्स फोर का क्यूब और 4 का क्यूब और ए का क्यूब है दोनों को कंबाइन करके कर, कर दिया हमने 4 ए का क्यूब ऐसे 27 सेवन थ्री 3 टू थ्री इंटू थ्री थ्री का क्यूब थ्री इंटू बी को कंबाइन करके राइट कर दिया थ्री इंटू बी का कंप्लीट का क्यूब 144 के फैक्टर्स राइट करेंगे थ्री इं टू थ्री फोर टू फोर ये इसके क्या आएंगे फैक्टर्स अब हमें इसमें चाहिए थ्री ए स्क्वायर बी अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी आ रही है फोर ए बी की थ्री बी ए स्क्वायर बी मीन्स थ्री आगे चाहिए एक थ्री को आगे एडजस्ट कर दिया ए स्क्वायर मीन्स फोर ए का स्क्वायर चाहिए यहाँ टू फोर है और ए स्क्वायर है दोनों को कंबाइन करके फोर ए का होल स्क्वायर बना दिया यहाँ एक थ्री और बच गया थ्री को बी के साथ एडजस्ट कर दिया थ्री इन बी प्लस वन हंड्रेड एट के फैक्टर्स राइट करते हैं ये हो जाएंगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फोर अब यहाँ हमें चाहिए थ्री ए बी स्क्वायर थ्री को आगे एडजस्ट कर दिया ए की वैल्यू है फोर ए फोर को हमने ए के साथ एडजस्ट कर दिया और यहाँ टू थ्री बच गए यहाँ बी स्क्वायर ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर बी का स्क्वायर थ्री बी का होल स्क्वायर ये 3 3B आ गया थ्री इंटू फोर ए इंटू थ्री बी का होल स्क्वायर नेगेटिव साइन आ रहा है इसलिए किसका आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल क्यूब ए की वैल्यू फोर ए बी की माइनस थ्री बी हो गया है, 4 A 3 का होल इसके फिफ्थ पार्ट, क्यूब प्लस के फैक्टर्स राइट करते हैं ये हो जाएंगे थ्री इन 3 थ्री इन थ्री पी क्यूब है उसके साथ एडजस्ट कर देंगे थ्री पी का क्यूब 216, 216 के हमें क्यूब बनाना है क्योंकि यहाँ हमें क्या चाहिए b क्यूब वन इंटू वन इंटू वन तो हम राइट कर सकते हैं का क्यूब one ही होता है और 216, 216 होता है हंड्रेड सिक्स का क्यूब ये हो जाएगा वन बाई सिक्स इस कंप्लीट का होल क्यूब नाइन बाई टू पी स्क्वायर अब हमें इसमें चाहिए थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए स्क्वायर बी मीन्स थ्री यहाँ चाहिए इन ए स्क्वायर थ्री पी का होल स्क्वायर चाहिए 6. अब यहां है ऑलरेडी नाइन बाई टू तो हमने यहाँ किया क्या है कि इसको ऊपर और नीचे थ्री थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ हमारे पास थ्री नाइन का क्या बन गया नाइन पी का तो क्या आ गया थ्री पी का होल स्क्वायर अब यहाँ हमें थ्री चाहिए और नीचे वन बाई सिक्स चाहिए अब नीचे हमारा वन बाय टू आ रहा है और ऊपर थ्री भी नहीं बच रहा तो हम यहाँ ऊपर भी थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी थ्री से मल्टीप्लाई तो ऊपर तो आ जाएगा थ्री और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री सिक्स तो ये हमारा क्या बन जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी नेक्स्ट वन बाय फोर पी है वन बाय फोर पी है हमें चाहिए थ्री ए बी स्क्वायर मीन्स थ्री पी वन टाइम चाहिए और थ्री चाहिए अब यहाँ हमारे पास क्या है ओनली पी है तो थ्री चाहिए हमें उसके साथ थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा थ्री पी इंटू थ्री तो ये तो क्या बन गया हमारा ए की वैल्यू अब एक थ्री और चाहिए इसमें क्योंकि आगे थ्री होना चाहिए एक थ्री से और मल्टीप्लाई करेंगे एक थ्री से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया थ्री इंटू ए अब हमारे पास क्या बच गया वन बाय फोर इंटू थ्री इंटू थ्री वन बाय फोर इंटू थ्री फोर थ्री जो ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जो थर्टी सिक्स मीन्स वन बाय थर्टी सिक्स ये बच गया और हमें क्या चाहिए ओनली बी स्क्वायर बी स्क्वायर मीन्स वन बाय सिक्स का स्क्वायर तो ये वन बाय सिक्स का स्क्वायर ही बन रहा है ये आ गया थ्री इंटू थ्री पी इंटू वन बाय सिक्स का होल स्क्वायर इसमें बीच में नेगेटिव साइन है ये आइडेंटिटी यूज होगी माइनस बी का होल क्यूब ये हो गया थ्री पी एंड बी की वैल्यू वन बाई सिक्स थ्री पी माइनस वन बाई सिक्स का होल क्यूब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन वेरीफाई यहाँ आपको वेरीफाई करना है फर्स्ट पार्ट की वे ने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क् माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वेरीफाई करेंगे मीन्स दोनों साइड को इक्वल प्रूव करना है अब लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा कुछ नहीं है प्रूव करने का ओनली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है राइट हैंड साइड को लेते हैं राइट हैंड साइड ली हमने एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एक्स को इस कंप्लीट से फिर वाई को इस कंप्लीट से ये हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज से मल्टीप्लाई होगा ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स की पावर टू और वाई यहाँ x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन है यहाँ भी प्लस है y इन टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस y इन टू एक्स वाई एक्स की पावर ओनली वन है y की पावर टू है एक्स वाई स्क्वेर प्लस 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 वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई अब यहाँ देखो x की पावर टू और y की पावर वन और यहाँ भी x की पावर टू y की पावर वन यहाँ माइनस साइन है या प्लस साइन है दोनों लाइक टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ x की पावर वन है y की पावर टू है यहाँ x की पावर वन है y की पावर टू है यहाँ प्लस साइन है या माइनस साइन है दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी लाइक टर्म से क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और वेरीफाई हो गया ये सेकेंड पार्ट को वेरीफाई करते हैं y y इसमें भी राइट हैंड साइड लेंगे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्स वाई प्लस वाई स्क्र फर्स्ट टर्म इस एक्स को complete के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को किया एंड देन वाई को यहाँ yeah, एक्स को एक्स स्क्वायर से किया एक्स क्यूब प्लस एक्स को एक्स वाई से करेंगे एक्स की पावर टू हो जाएगी इन टू वाई प्लस एक्स को वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर यहाँ माइनस साइन है यहाँ yeah, प्लस है प्लस माइनस माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क् प्लस माइनस माइनस होगा वाई इंटू एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर वन वाई की पावर टू और माइनस प्लस माइनस होगा वाई इन टू वाई स्क्वायर वाई क्यूब अब यहाँ x की पावर टू है y की पावर वन है यहाँ x की पावर टू y की पावर वन यहां या नेगेटिव साइन या पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी लाइक ट्रम से प्लस माइनस साइन है कैंसिल आउट यहाँ x की पावर वन y की पावर टू यहाँ x की पावर वन y की पावर टू प्लस माइनस साइन है दोनों कैंसिल आउट ये बच गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वेरीफाई हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन फैक्टराइज ईच ऑफ दिन बनानेटी सेवन वाई क्यूब प्लस ट्वेंटी थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री मीन्स थ्री का क्यूब और थ्री का क्यूब इंटू वाई का क्यूब है दोनों को कंबाइन करके क्या राइट कर दिया हमने थ्री वाई का होल क्यूब वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव के ऐसे फैक्टर्स बनेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू और क्या हो गया फाइव का क्यूब दोनों को कंबाइन करके फाइव का होल क्यूब ये में किया। प्लस वाई क्या होता है एक्स प्लस एक माइनस एक्स वाई प्लस वाई तो इसमें आइडेंटिटी यूज करते हैं एक्स की वैल्यू है थ्री वाई वाई की वैल्यू है फाइव जेड एक्स प्लस वाई मीन थ्री वाई प्लस फाइव जेड फिर होता है एक्स स्क्सर माइनस एक्स इंटू वाई थ्री वाई इंटू फाइव जेड प्लस जेड स्क्वायर ओपन करेंगे थ्री का स्क्वायर नाइन वाई स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन वाई जेड ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर ये इसके क्या आ गए फैक्टर्स सेकेंड पार्ट सिक्सटी फोर एम क्यूब माइनस थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री एन क्यूब सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को हम राइट कर सकते हैं फोर इंटू फोर इंटू फोर मीन्स फोर का क्यूब और फोर का क्यूब और एम का क्यूब दोनों को कंबाइन करके राइट कर दिया हमने फोर एम का होल क्यूब ऐसे थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री इसको राइट कर सकते हैं सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन मीन्स सेवन का क्यूब और इनको कंबाइन करके राइट कर दिया सेवन एन का क्यूब इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स इसको वाई ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्स वाई प्लस वाई स्क्वा इसमें यूज करते हैं एक्स की वैल्यू है फोर एम वाई की वैल्यू है सेवन एन पुट करते हैं फोर एम माइनस सेवन एन यहाँ पुट करेंगे फोर एम का स्क्वायर प्लस फोर एम इन सेवन एन प्लस सेवन एन का स्क्वायर यह आ गया फोर एम माइनस सेवन एन फोर का स्क्वायर सिक्सटीन एम स्क्वायर प्लस फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट एम एन प्लस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन एन स्क्वायर ये इसके फैक्टर्स आ गए